कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना राजस्थान में पैर पसारता जा रहा है। राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक 64 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3491 पहुंच चुकी है। राजस्थान में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोपहर 2 बजे तक 64 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3491 हो चुकी है। लगातार कोरोना पैर पसारते हुए राजस्थान में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए 3491 आंकड़े हो चुके हैं अभी तक। राजस्थान में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आज राजस्थान में दोपहर 2 बजे तक 64 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में 3491 हो गई। लगातार कोरोना का कहर बढ़ते हुए 2 बजे तक की रिपोर्ट में 64 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3491 हो चुकी है। आज जयपुर में 26, अजमेर और जोधपुर में 9-9, कोटा में 8, पाली की अगर बात करें 5, अलवर, झालावाड़ और उदयपुर में 2-2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा सीकर के खाटू श्याम जी में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मिला। अजमेर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई और इसी के साथ राजस्थान में मौतों का आंकड़ा 100 हो चुका है। राजस्थान में कोरोना लगातार पैर पसारते हुए कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दोपहर 2 बजे तक 64 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, मौतों का आंकड़ा 100 हो चुका है। इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3491 हो चुकी है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए मौतों का आंकड़ा भी 100 पहुंच चुका है, लगातार किस प्रकार से कोशिश की जा रही है नियंत्रित करने की? जी बिल्कुल, लगातार कोरोना पॉजिटिव का संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज 2 बजे तक 64 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जिसमें बात करें तो जयपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और जयपुर में अब तक 1137 कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं। बात करें अजमेर में तो अजमेर में भी आज 9 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और अजमेर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी 196 हो चुकी है। साथ साथ कोटा में भी आज 8 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जोधपुर में आज 9 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और जोधपुर में 851 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव संख्या वो बढ़ती जा रही है, साथ साथ 31 जिलों में अब तक कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं। सीकर के खाटू श्याम जी में भी आज 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। साथ ऐसे में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 100 कोरोना पॉजिटिव की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 53 कोरोना पॉजिटिव की जयपुर में मौत हो चुकी है जो सबसे अधिक आंकड़ा है। जोधपुर में भी अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, जो लगातार इनकी जोधपुर में भी कोरोना पॉजिटिव की मौत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन रात बुरी खबर यह है कि प्रदेश में अब 1916 कोरोना पॉजिटिव है वो ठीक हो चुके हैं, साथ ही जिसमें से 1620 को डिस्चार्ज कर दिया गया। ऐसे में एक्टिव केस की बात करें तो प्रदेश में अब तक 1475 एक्टिव केस है, लेकिन जांचों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक करीब 1.5 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव के सैंपल है वो लिए जा चुके हैं, यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव की जो जाँच है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी की ICMR ने अब जोधपुर मेडिकल कॉलेज को भी जो अनुमति दे दी गई है वहां पर भी अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा। जयपुर के SMS अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है, जिसके भी सकारात्मक जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग तेजी से काम कर रहा है, जो सामने आ रहे हैं जो पॉजिटिव है उनका तेजी से इलाज हो रहा है, जो एक रात भरी खबर है प्रदेश के लिए वो कही जा सकती है। जी जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।